पिछले वीडियो में आपने देखा कि आलू के खेत की तैयारी के बारे में बताया गया। आज हम जानेंगे कि बुआई कैसे की जाती है। आलू के रोपाई शुरू कैल जाए तो सबसे पहले लाइन खींचे के है। आलू रोपाई करे से पहले खेत में 24 इंच पर 2 फीट पर लाइन खींच लेल जाए, ठीक है। ओकरा बाद आलू के रोपाई कैल जतै जेकि 8 इंची पर आलू से आलू के दूरी रखल जतै। तो एगो डंटा दीव दीदी, सबसे पहले डंटा के बना लेल जाए। ई दीदी 2 फीट के डंटा भेलै, ठीक ना, सहूलियत होतै लाइन खींचे के लेल, डन खींचे के लेल जी। अब जे डंटा भेलै 2 फीट के जी, एकरा डनीर सामने से डनीर के पास से एकरा नाप लेबै और ई जे जगह भेलै ऐसे लंबा डन खींच लेबै, ठीक ना जी। आलू जे रोपबै ओइसे पहले हमरा ई फुदना के हिसाब से आलू के बिचरा गिराबे के है, जेकर दूरी 8 इंची है, ठीक है ना जी। 8 इंची दूरी है, 8 इंची पर आलू गिरतै त पौधा से पौधा के दूरी 8 इंची हो जतै। पहला डन जे है ई भेल, अब एक के सामने से ही आलू गिरा के आलू के रोपाई शुरू कर जतै, ठीक ना। दीदी आलू के रोपाई तो अहाँ के हो गए? हाँ भैया हो गए। भैया यहाँ से एक सवाल पूछे गए की दीदी कि आलू सौसा सौसा रोपिया काट कर भी रोप सकते हैं? ना दीदी, अहाँ से देखत हो भाई अक्सर किसान आलू के काट के रोपे छथिन। हाँ। आलू के काट के रोपे से आलू के पैदावार में बहुत कमी आ जाए और आलू के उपज जो है कम भी। दूसरा बात, आलू के काट के रोपे से ओकर अंकुर जे होइ छै ओ कट जाइ छै तो आलू के पौधा के निकले में भी कमी होइ छै, दिक्कत होइ छै। तीसरा बात, आलू के काट के रोपे से पाला लागे के संभावना अधिक बढ़ जाइए, यही लेल आलू गोटा सौंस रोपल जाए। आलू के खेत की तैयारी और रोपाई में कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है। पहला मुख्य बिंदु है खेत की तैयारी रोपाई से 2 दिन पहले कर लेवेला है। 1 कट्ठा खेत तैयारी के लिए जिंक 500 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलो, यूरिया 4 केजी, पोटास 3 केजी, गोबर खाद 3 क्विंटल। आलू के खेती में जिंक और पोटास देना बहुत ही जरूरी है। जिंक है हवा से नाइट्रोजन खींच के मिट्टी में संचित करैया और पोटास देला से आलू में एक रंग साइज होइया और चमक होइया, जे के लेके मार्केट में ओकर अच्छा रेट मिलैया। आलू के रोपाई में लाइन से लाइन के दूरी 2 फीट होबे के चाही और पौधा से पौधा के दूरी 8 इंच होबे के चाही। आलू के खेती में पैदावार बढ़ावे के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ाना जरूरी है, जैसे मार्केट में ओकर वैल्यू बढ़ जाइया और दीदी के आमदनी और दाम ज्यादा मिले। तो आपने देखा कि आलू की बुआई के दौरान किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी एवं एक कन से दूसरे कन की दूरी कितनी रखनी चाहिए और किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए।